नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंदूर को किस जगह रख देने से हमारे यहाँ कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और साथ साथ हमारे घर में समृद्धि भी हो। यानी कहने का मतलब है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो है माता लक्ष्मी का वास बना रहे, जिससे क्या है, हम आर्थिक रूप से कभी भी कमज़ोर ना पड़े। यानी हमारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, कभी भी ज़रूरत के समय हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यही चाहते हैं कि जो माता लक्ष्मी की कृपा है वो हमारे घर पर हमेशा बनी रहे, हमारे घर में समृद्धि हो। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर में क्या है, लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, कभी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आज का यह उपाय मुख्यतः सिंदूर का है। सिंदूर हमारे दैनिक पूजा पाठ में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। लाल सिंदूर का प्रचलन जो है हमारे यहाँ काफ़ी अधिक है, तो इसी लाल सिंदूर का उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे तो इससे क्या है कि आपके घर में जो लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी, यानी कहने का मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए कोई खास दिन नहीं है, यानी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब उपाय को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह नहा लेना है और नहाने के बाद एक लोटा जल ले लेना है। जिस लोटे से हम जल देते हैं उस लोटे में हमें क्या करना है, नहाकर एक लोटा जल ले लेना है। और जल को लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो हमने जल भरा लोटा लिया है उस लोटे में थोड़ा सा लाल सिंदूर मिला देना है और उसके साथ साथ थोड़ा सा फूल डाल देना है। कोई भी फूल हो, क्या कीजिए, आप लोटे में थोड़ा सा सिंदूर और उसके बाद फूल डाल दीजिए। और डालने के बाद जो हमारा लोटा है उस लोटे को क्या करना है, उस लोटे से हमें क्या करना है, सूर्यदेव को जल दे देना है। कहने का मतलब है कि जब भी आप सुबह नहाकर लोटा लेते हैं जिससे आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, तो हमें क्या करना है, बस जल चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा फूल मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ा देना है। ऐसा आप हफ्ते में एक दिन कीजिए समय निकाल कर। तो जब भी आप क्या है कि जब सिंदूर मिला हुआ लोटा से आप सूर्यदेव को जल देंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या है कि माता लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होंगी और उनकी जो कृपा है हमेशा आप पर बनी रहेंगी। और जब उनकी कृपा बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति कभी ख़राब नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा धन दौलत बना रहेगा। तो आप इस उपाय को कीजिए। क्या कीजिए कि सूर्यदेव को जब भी आप जल दें तो हफ्ते में एक दिन प्रयास करें कि उसमें क्या करें, जल देने से पूर्व थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा फूल डालकर मिलाकर तब चढ़ाएँ। ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में बताया गया उपाय आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।